गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरपीएस पब्लिक स्कूल। वी आर इन द पीरियड ऑफ क्लास सिक्स मैथ्स। हम लोग अभी क्लास सिक्स के मैथ पीरियड में है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 16। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, ठीक है। डिफाइन वगैरह कल मैंने लिखवा दिया था पिछले वीडियोज में आपको, ठीक है। आज हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एग्जाम्पल वन हमारा कह सकता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 if its perimeter is 128 meter, if its perimeter is 128 meter, then find the dimension of the field. Then find the dimensions of the field. ठीक है, यानी डायमेंशन कहने का सेंस किसका, लेंथ ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 5x, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी कितना, 3x, ठीक है। रेशियो क्या है, 5x 3x। Therefore, perimeter of rectangular field is equal to, हम फॉर्मूला जानते हैं, 2 × l + b, ठीक है। यानी 2 लेंथ हमारा 5x है, ब्रेथ हमारा कितना है 3x, 2 × 5 = 3, 8x कितना हो गया हमारा 16x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि पेरिमीटर इसका कितना है, 128 मीटर है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 128 हमारा दिया हुआ है, नहीं तो पेरीमीटर हमारा यहाँ आ गया है 16x इक्वल टू 128, x इक्वल टू 128, 16 का डिवाइड में इनटू में कराए तो डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है। राख दीजिए इसको 16 8 है ना, ठीक। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू हमारा कितना है 5x, यानी 5 × 8 कितना 40 मीटर, और ब्रेथ
इक्वल टू 3x, यानी 3 × 8 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। यही लेंथ ब्रेथ हो गया इसका, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल टू हम लोग देख रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया एग्जाम्पल टू में, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे देता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ, आर in the ratio of, are in the ratio of, हमारा दिया हुआ है 7:4, ratio of 7:4, clear, and the cost of fencing, the cost of fencing, the cost of fencing the field, cost of fencing the field at, the cost of fencing the field at rupees 25 per meter is 3300 rupees 3300। then कह रहा है कि find the dimension of the field, ठीक है, find the डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन, यानी कि लेंथ ब्रेथ, क्लियर। चलिए वो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। मान लेते हैं कि लेंथ length of rectangular field is equal to 7x, thick break of रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 4x हमारा हो गया, ठीक है, 7x और 4x, देयरफोर पेरीमीटर टू इंटू लेंथ हमारा 7x, ब्रेथ हमारा 4x, यानी 2 × 11x, यानी कि कितना होगा, 11 × 2 = 20 हो गया हमारा एक पेरीमीटर। अगेन
perimeter is equal to, हमने आपको लिखवाया है फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट बाय रेट, ठीक है। इसमें एक टोटल कॉस्ट हमारा है 3300 और रेट कैसे दिया हुआ है हमारा 25 पर मीटर, ठीक है 25, क्लियर। इसको काटिए, आप काट सकते हैं, तो 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30, 30, 5 6 जा 30 और 0 जा 0, ठीक है। अब फिर 5 से काट सकते हैं इसको हम, 5 1 जा 5, 1 बच गया 16, 5 3 जा 15, 1 अगेन 5 2 जा 10, ठीक है। यानी हमारा कितना हो गया 132 मीटर पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब बोथ पेरीमीटर आर सेम, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कोस्टल हमारा हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा बोथ पेरीमीटर सेम, यानी 22x इज इक्वल टू 132 हो गया हमारा, ठीक है। x इज इक्वल टू 132, ये इंटू में अगर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दें लिखना 6 गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों 7x, यानी 7 × 6, 7 6 जा 42 मीटर, और ब्रेथ इक्वल टू कितना है 4x, तो 4 × 6, 6 4 जा 24 मीटर, यही हमारा, ठीक है। लेंथ हो गया कितना 42 मीटर और ब्रेथ हो गया कितना हमारा 24 मीटर, ठीक। इसको राइट डाउन कर लीजिए आपको, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे दिया हमारा ऐसे, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दे दिया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड्स आर, जैसे दे दिया 2.5 मीटर, सपोज ये क्वेश्चन हमारा दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन करेंगे, ठीक, चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका। सोल्यूशन में हमारा है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, क्लियर, यानी 4 × साइड कितना है 2.5 है इसका, इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया हमारा ये 10 मीटर, यानी 10 मीटर हमारा इसका मीटर हो गया, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने जल्दी से, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल 4 में जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए, देख सकते हैं एग्जाम्पल 4, जैसे कोई पोस्टर हमारा दे दिया कि
टीचर जैसे को दे दिया हमारा, सपोर्ट करते हैं ये टीचर दे दिया गया है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवेन फिगर, जैसे कोई फिगर हमारा दे दिया, मान लेते हैं सपोज ये फिगर दे दिया, क्लियर ए बी सी डी, ठीक। इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर हो गया, और इसको फिर मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड, हमने लिखवाया है आपको फॉर्मूला में, ठीक याद कर लीजिएगा, सम ऑफ द साइड्स, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी ए बी कितना हमारा है 10 प्लस बी सी हमारा 8 है प्लस 20 प्लस 6, क्लियर। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि 20 और 10 30 हो गया, 30 और 8 38, और 38 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 44, ये पेरीमीटर हो गया इसका सम ऑफ द साइड करके, ठीक है। इस तरह से और भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अब लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने अब एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर। आज एसडब्ल्यू में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 21A, ठीक, एक्सरसाइज 21A बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।